आज का ये टॉपिक में भी आपके साथ में बातचीत करने वाला हूं, उसका है कि खुद पावरफुल बनो। तो आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, संबंध तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, पुणे, मुंबई, यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स है। और सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, मनोरुग्ण और व्यसनी लोगों का इलाज करना, यह हमारा मिशन है। काफ़ी लोग हमको फ़ोन के ऊपर काउंसलिंग हमारा लेते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स के लिए हमको सॉल्यूशन मांगते रहते हैं। काउंसलिंग होता है, साइकोथेरेपी, मानसोपचार होते रहता है, उनके काफ़ी प्रॉब्लम्स लेके लोग आते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं पावरफुल नहीं हूँ, मैं वीक हूँ, मैं कमज़ोर हूँ और मैं सामना नहीं कर पाऊँगा, मैं जो मुश्किलें लाइफ में आ रही है उसका सामना मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा लोगों को लगता है। मैं एकदम बोलता हूँ कि आप पावरफुल है, ऐसा नहीं कि पावरफुल नहीं है, आपको पावरफुल नहीं है ऐसा आपको एहसास हो रहा है कि हम पावरफुल नहीं है। आपको एहसास होना जरूरी है कि आप पावरफुल है, या आपका विश्वास होना जरूरी है कि आप पावरफुल है। मगर विश्वास कौन सा कि मैं पावरफुल नहीं हूं, ऐसा लोगों को लगता है। ठीक है, मैं बोलता हूं आप पावरफुल नहीं है ऐसा आपको लगता है, तो फिर पावरफुल बनो, प्रॉब्लम क्या है उसमें। हम हमारा समय बर्बाद करते रहते हैं, हमारा समय हम बर्बाद करेंगे प्लेजर मिलाने के लिए। हम घूमेंगे फिरेंगे, होटल्स में जाएंगे, खाना खाएंगे, इधर उधर टाइम पास करेंगे, गपशप लड़ाएंगे, चिट चैट करेंगे, गॉसिपिंग करेंगे, टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, यूट्यूब के ऊपर अपना टाइम कमाएंगे, मतलब काफ़ी सारा हम प्लेजरेबल, कहीं पिकनिक पे चले जाएंगे, कहीं शादियों में 7-7 दिन 8-8 दिन हमारा टाइम देंगे, मतलब हमारा टाइम कितना हम बर्बाद करते रहते हैं। ये मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं जो टाइम दे रहा हूँ इधर उधर, जिसका मुझे, मेरा जो गोल है लाइफ का, मेरा जो लाइफ का उद्देश्य है वो पूरा करने के लिए क्या मुझे काम में आ रहा है? बिल्कुल ही नहीं है। क्या ये पावरफुल बनाने में मुझे काम में आ रहा है जो मैं समय बिता रहा हूँ? बिल्कुल ही नहीं है। फिर मैंने क्यों मेरा समय बर्बाद करना? मेरा हर वक्त, हर समय, हर टाइम मेरे पास में जो है वो मैं पावरफुल बनाने में लगाता हूँ कि मैं कोई भी परिस्थिति आ जाए उसका सामना मैं कर सकूँगा, तो फिर जीवन में प्रॉब्लम ही क्या रहेगा? फिर तो मुश्किलें रहेगी नहीं। देखो, मुझे बाहर जाने का है, कहीं बाहर गांव जाने का है, 1000 किलोमीटर का सफ़र करने का है, तो मेरी कार जो है वो ही पावरफुल है, मतलब वो सर्विसिंग करके आई हुई है, उसके टायर ट्यूब्स बराबर है, मेरे पास में एक स्टेपनी अच्छी है, बिल्कुल पेट्रोल डीजल भरा हुआ है, और मतलब उसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी है और वो पावरफुल है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? और मेरी कार ही ठीक नहीं है तो फिर जो भी मुश्किलें आएंगी उसका सामना करते करते मेरा दम घुट जाएगा। हम क्या बोलते हैं, नहीं मैं पावरफुल नहीं हूँ, फिर पावर के लिए हम जाएंगे भगवान के पास में, मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, चर्च में जाएंगे, और फिर भगवान की प्रार्थना करेंगे, भगवान तेरा हाथ मेरे सर के ऊपर रख, मुझे पावरफुल बना। अरे भाई, पावरफुल तो है ही, और नहीं है तो फिर कर ले खुद को। मंदिर में जाके कुछ होने वाला नहीं, भगवान के पास में जाके कुछ होने वाला नहीं, पावरफुल बनने वाले हैं नहीं, उल्टा मैं कमज़ोर हूँ ऐसा हम अपने आप को वहाँ जाके बोलते रहते। लोग आश्रम में जाते हैं, महाराज के पास में जाते हैं, बाबा के पास में जाते हैं, वहाँ तो और ढोंग है, वहाँ तो बाहर से बताया जाता और कुछ, अंदर से तो सब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और लोग बाहर फिर बोल भी सकते नहीं कि हमारा क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। सब जो बाबाओं के पर्दाफाश हुए उसमें हमने देखा ही है कि बाबा का असली रूप क्या है या क्या था। तो ये चक्कर में अपने आप को वॉरियर बनाना, पावरफुल बनाना और अब मुश्किलों का सामना करना है बहुत जरूरी है। तो पावरफुल बनने में दुख है, पावरफुल नहीं है तभी भी दुख है। वो कैसा? समझो आप पावरफुल है, वॉरियर है, तो आप जाएंगे, फेस करेंगे, बड़े बड़े मुश्किलों का सामना करेंगे, हो सकता है कि पीछे से कोई आएगा आपको मार देगा। पावरफुल नहीं है या वॉरियर नहीं है तो कम से कम पीछे तो भी रहेंगे, बच जाएंगे। तो फिर करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है? मतलब दुखी तो आप कहीं से भी हो सकते हैं, दुखी होना है तो फिर ये देखना पड़ेगा कि मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, क्या मैं ये बॉडी हूं, क्या मैं जो हूं वो ये बॉडी में हूं कि बॉडी के बाहर हूं। जब आप ये देखेंगे कि मैं हूं कौन, हु एम आई, मैं आया क्यों, मेरा मकसद क्या है दुनिया में आने का, मैं क्या करने वाला हूं, ये सवाल, ये इंक्वायरी जब आप खुद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई मेरा असली काम है क्या, मेरा उद्देश्य है क्या, क्या मैं बिना वजह खुश रह सकता हूँ, क्या मैं दुखी हो ही नहीं सकता हूँ, मतलब दुखी होना ही नहीं है मुझे। क्योंकि सुख और दुख क्या है? सुख
सुखी होना या दुखी होना ये अल्टीमेटली थॉट्स है, विचार है दिमाग के। तो यदि वो थॉट मैं नहीं हूँ, मैं मतलब ये ऑटोमेटिक थॉट्स जो दिमाग में आ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, तो फिर सुख और दुख कहाँ से आए? तो मुझे देखना है कि मेरा जो सुख है या मेरा जो दुख है वो मेरे बॉडी में नहीं है या कोई परिस्थिति में नहीं है। ना मैं खुश हो सकता हूँ ना मैं दुखी भी हो सकता हूँ, जो मैं हूँ वो मैं हूँ। तो मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक भगवान हूँ, और ये जो मैं है ना, मैं हम जिसको बोलते कि आए या मैं, तो मैं फिर कहाँ है वो हमको देखने का मौका मिलेगा कि मैं है कहाँ। मैं यदि मेरे बॉडी में नहीं हूँ तो क्या मैं आत्मा हूँ? क्या मैं ऐसी एक जगह हूँ, एक ऐसी स्पेस हूँ, एक ऐसी जगह हूँ, एक ऐसा स्पेस है कि जो स्पेस में आप और मैं या लोग और मैं सब एक ही है? क्या मैं वो हूँ? जब मैं मेरी बॉडी नहीं तो फिर हूँ कौन? तो ये इंक्वायरी आपने करते रहने का है। या आप इंक्वायरी करेंगे और खुद आप उसकी मतलब खोज करेंगे कि मैं हूँ कौन, ये जो है मैं या हम आत्मा, परमात्मा, भगवान, जो भी आप बोलते हैं, वो जो एनर्जी है वो है कौन, इसकी खोज आपको करनी पड़ेगी। वो एनर्जी को, वो जो मैं है, जो मैं ये बॉडी नहीं हूँ, जो मैं ये विचार नहीं हूँ, मैं मेरा मूड नहीं हूँ, ये मूड अलग है, ये विचार अलग है, मेरी बॉडी अलग है, तो फिर वो जो मैं है, वो जो आय है, जो ईगो है, क्या वो आत्मा है? क्या एनर्जी है? और वो यदि एनर्जी है, आत्मा है, तो ना उसको कोई दुखी कर सकता ना सुखी कर सकता। तो ये करेंगे तो आपको जरूर एक अच्छा जीवन जीने का मौका आएगा, ऐसा जीवन कि जो जीवन जीने में आपको मजा आ जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल का आइकॉन जो आता है उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएंगे। हमारा मिशन जो है वो है मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।